हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। वो यूनिक रेसिपी क्यों है फ्रेंड्स, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना तो मैंने किसी गैस का इस्तेमाल किया है, ना चाशनी का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई खोए का इस्तेमाल किया है। और आप इसका टेक्स्चर भी देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया है। और इनको बनाने में सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स का मैंने यूज़ किया है, और वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देखकर आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इन चीज़ों से इस तरह की मिठाई भी बनाई जा सकती है। तो इसको देखने के लिए कि मैंने किस तरह से बनाया है, आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किए हैं इन दो इंग्रेडिएंट्स का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इनसे इतनी अच्छी मिठाई भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ मैंने दो पके हुए केले लिए हैं, ये देखिए, पके हुए केले से भी बहुत अच्छी बनती है। और 350 ग्राम डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है एक बाउल। अब इस बाउल में हम इन बिस्किट्स को तोड़ेंगे और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, ये देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही जल्दी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, और इसे बनाने में हमें किसी भी तरह की मेहनत कोई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, और बहुत ही फटाफट से मिठाई हमारी बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस में इन बिस्किट्स को डाल देंगे, इस बाउल के अंदर पीसेस कर लेंगे, ये देखें। तो मैंने सारे बिस्किट्स ले लिए हैं, और अब हम यहाँ पे लेंगे एक ग्राइंडर और इसके अंदर इन सब बिस्किट्स को डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स यूनिक रेसिपी है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये लीजिए, मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें जो छोटे छोटे पीसेस कोई कोई से रह जाते हैं बिस्किट्स के, उन्हें आप बाहर निकाल दीजिए। तो ये देखें, कुछ बिस्किट्स के पीसेस इसमें हैं, तो उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। ये लीजिए, हमने सबको बाहर निकाल लिया है पीसेस को, जो छोटे छोटे से रह गए थे, और इसका फाइन पाउडर बना लिया है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मीठे बहुत होते हैं तो इसमें शुगर की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे ये पके हुए केले और इनको छील लेंगे। तो इनका छिलका हमने उतारना है दोनों का। तो लीजिए, हमने इनको छिलका उतार लिया है, और अब फोर्क की हेल्प से इसको अच्छे से हमने मैश करना है। तो इसे अच्छे से मैश कर लेंगे हम, बिल्कुल बारीक इसको, ये देखें। तो है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी, ऐसी रेसिपी शायद ही आपने कभी देखी होगी। और इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है। और देखिए, जहाँ हम डाइजेस्टिव बिस्किट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और तो केले तो होते ही हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छे, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये फटाफट से रेसिपी बन जाती है, और कोई गैस नहीं जलाना है हमने, कोई चाशनी नहीं बनानी है, कोई खोया नहीं डालना है इसमें। और देखिए कितनी जल्दी से ये हमारी रेसिपी बनेगी। तो ये देखिए, हमने अच्छे से केले को मैश कर लिया है, अब इसको हम इस बिस्किट्स की चूरे के अंदर डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को, क्योंकि डाइजेस्टिव बिस्किट्स में भी मीठा होता है, और केला भी हमारा पका हुआ है, काफ़ी मीठा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसमें शुगर ऐड करने की। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये देखिए, ये अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। तो अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको डालकर आपको खोए को भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे इसमें।
और ये देखें हमने सारा मिल्क पाउडर जो था इसमें ऐड कर लिया है, तो इससे जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब देखें मिल्क पाउडर में भी हल्की सी मिठास होती है। अब हमने यहाँ लिया है नारियल का बुरादा, तो इसको भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा जायका हो जाएगा इस मिठाई का, खाने में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे लड्डू। तो 2 टेबलस्पून के अराउंड मैंने यहाँ नारियल का बुरादा लिया है जो आसानी से मिल भी जाता है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें ये सब हम इंग्रेडिएंट्स आपस में हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून देसी घी, इससे इसमें सोंधापन आ जाएगा और एक चमक भी आ जाएगी, एक शाइनिंग आ जाएगी जो बहुत अच्छी लगती है। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इनका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये लड्डू और झटपट से बन भी जाते हैं। अब यहाँ इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, इससे इन लड्डुओं का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब त्योहारों का सीज़न तो वैसे भी आने वाला है और त्योहारों के इस सीज़न में आप इसे फटाफट से बना भी सकते हैं, या कभी भी आपका अगर मीठा खाने का मन हो तो भी इस मिठाई को आप झटपट से बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने, देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग इसमें आ गई है। और ये लीजिए हमारा लड्डुओं का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इनका आया है। अब थोड़ा सा पोर्शन इसमें से ले लेंगे और इसकी हम बोल बनाएंगे, तो लड्डू को बाइंड करेंगे हम, ये देखें इस तरीके से। तो इनके इसी तरीके से छोटे छोटे गोले बनाने हैं हमने, और ये देखें अच्छे से बाइंड भी हो रहा है ये। और अब यहाँ हमने ये नारियल का बुरादा लिया है, इसमें अच्छे से कोट कर देंगे ताकि देखने में भी और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये देखिए कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं ना ये लड्डू बनकर। और इसी तरीके से हम बाकी लड्डू भी तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं जो बहुत ही झटपट से तैयार हो भी गए हैं और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग रेसिपी है जो इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, वो भी बिना गैस जलाए। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अभी इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर है इन लड्डुओं का और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।